मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर अजय। वेलकम ऑल ऑफ यू इन डिजिटल क्लासेस प्रोवाइडेड बाय राजस्थान एकेडमी चूरू फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, राय स्पोर्ट्स स्कूल एंड RIMC। स्टूडेंट्स, यह अपने विषय सामान्य ज्ञान की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा है विश्व की प्रमुख जिले, और 1 से लेकर 6 तक जो जिले हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे स्टार्ट करेंगे तो 7th नंबर 7वीं है, झील का नाम है आपके टांगानिका झील, और टांगानिका झील है उससे संबंधित क्षेत्र है तंजानिया, जेम्बिया और जेरे, और टांगानिका झील का क्षेत्रफल है 32,900 वर्ग किलोमीटर। तो टांगानिका झील से संबंधित क्षेत्र कौन से हैं? टांगानिका झील से संबंधित क्षेत्र हैं तंजानिया, जेम्बिया और जेरे। टांगानिका झील का क्षेत्रफल कितना है? टांगानिका झील का क्षेत्रफल 32,900 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, अपने झील का नाम है बैकाल झील। बैकाल झील से संबंधित क्षेत्र है रूस, यानी कि ये रूस में है, और बैकाल झील का क्षेत्रफल है 31,722 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो बैकाल झील से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? बैकाल झील से संबंधित क्षेत्र रूस है। बैकाल झील का क्षेत्रफल कितना है? बैकाल झील का क्षेत्रफल है 31,722 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है अपने 9th, मलावी झील। मलावी झील से संबंधित क्षेत्र मलावी और मोजाम्बिक हैं, यानी कि इन दो क्षेत्रों में मलावी झील फैली हुई है। मलावी झील का क्षेत्रफल है 29,604 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो मलावी झील से संबंधित क्षेत्र कौन से हैं? मलावी झील से संबंधित क्षेत्र मलावी तथा मोजाम्बिक हैं, और मलावी झील का क्षेत्रफल कितना है? मलावी झील का क्षेत्रफल 29,604 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपके 10th 10वें नंबर की है, झील का नाम है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील है उससे संबंधित क्षेत्र है वो है कनाडा, यानी कि ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है, और ग्रेट स्लेव झील है उसका क्षेत्रफल है 28,568 वर्ग किलोमीटर। तो ग्रेट स्लेव झील से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? ग्रेट स्लेव झील से संबंधित क्षेत्र कनाडा है। ग्रेट स्लेव झील का क्षेत्रफल कितना है? ग्रेट स्लेव झील का क्षेत्रफल 28,568 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है अपने 11th नंबर पे है, झील का नाम है ईरी झील। ईरी झील, ईरी झील है उससे संबंधित क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ईरी झील से संबंधित क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, और ईरी झील का क्षेत्रफल है वह है 25,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ईरी झील से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? ईरी झील से संबंधित क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है। ईरी झील का क्षेत्रफल कितना है? ईरी झील का क्षेत्रफल 25,670 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपके झील का नाम है विनिपेग झील। विनिपेग झील, विनिपेग झील है उससे संबंधित क्षेत्र है वो है कनाडा, यानी कि ये कनाडा में है विनिपेग झील जो है,
और विनिपेग झील का क्षेत्रफल है वह है 24,387 वर्ग किलोमीटर। तो विनिपेग झील से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? विनिपेग झील से संबंधित क्षेत्र कनाडा है। विनिपेग झील का क्षेत्रफल कितना है? विनिपेग झील का क्षेत्रफल है 24,387 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपके झील का नाम है ओंटेरियो झील। ओंटेरियो झील से संबंधित क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ओंटेरियो झील का क्षेत्रफल है 19,010 वर्ग किलोमीटर। तो ओंटेरियो झील से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? ओंटेरियो झील से संबंधित क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है। ओंटेरियो झील का क्षेत्रफल कितना है? ओंटेरियो झील का क्षेत्रफल 19,010 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आज हमने विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में पढ़ा। इनको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।